అంటే కూడా దమ్కిచ్చి కత్తి పెట్టేసి రాస్తావా రాయవా గిరితోని మేము వదిలేస్తున్నాం నాకు ఎవరు భయపెట్టిస్తలేరు అసలు మ్యాటర్ పెట్టి రాపిచ్చుకున్నాడు కానీ బాగా అయితే మమ్మల్ని కొట్టాడు మళ్ళీ తర్వాత పిఎస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే పిఎస్ నుంచి ఫోన్లు వస్తే మళ్ళీ మాకు తీసుకొచ్చి బయనపెళ్ళి మా గుడి ఏం పేరు అన్నది పోషమ్మ గుడి అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళాడు అక్కడ కూడా కెమెరాస్ ఉన్నాయి పోలీసు వాళ్ళకి దయచేసి జర చెక్ చేసి మాకు న్యాయం చేయాలని చూస్తూ చూడాలని కోరుకుంటున్నాము ప్రాణభయం ఉంది ప్లస్ మా కొడుకుని కూడా అన్నాడు మా నాన్నను పెట్రోల్ పంప్ దగ్గరే ఎత్తుకపోతానడు నీ ఫ్యామిలీ ఎక్కడ పోతుంది ఏం చేస్తుంది అన్నీ చూస్తున్నాము మేము అన్నీ చేస్తున్నాం నువ్వు కంప్లైంట్ ఇస్తే కంపల్సరీ నిన్నైతే సంపేస్తాం నా కారణం కారణమైతే అర్జును అర్జున్ మనుషులు ఇరవై ఇరవై మంది రోజు వచ్చి షెడ్ దగ్గర కూర్చుంటారు వాళ్ళ మీద కంపల్సరీ చర్య తీసుకోవాలి నన్ను ఎంత కొట్టాడో నాకు తెలిసి బాధ హాస్పిటల్ పోయి కూడా మేము చూపించుకొని వచ్చాము ఆ ల్యాండ్ ఖాళీ చేయండి ఖాళీ చేయకపోతే మిమ్మల్ని చంపేస్తా అని నా మమ్మల్ని అట్లా వేధించిండు పిఎస్ నుంచి కంప్లైంట్ రాగానే తీసుకొచ్చి ఆడ పడేసిండు మళ్ళీ పోయేటప్పుడు రివర్స్ బండి తీసుకొని వచ్చి గుద్దుదామని కూడా చూశాడు అయినా మేము తప్పించుకున్నాము దాని తర్వాత మళ్ళీ అన్న నువ్వు పిఎస్ కంప్లైంట్ అయితే ఇచ్చి చూడు నిన్ను ఎట్లయినా చంపేశాం ఏ పోలీసు వాళ్ళు ఎవరు ఏం చేయలేరు మీ గిరి కూడా ఏం చేయలేరు నాకు అల్వాల్ సిఐ ఎస్ఐ కూడా తెలుసు వారు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి బెయిల్ మీద చంపేసి పదిహేను రోజుల బయటకు వస్తా అన్నాడు ఇది మాకు జరిగిన ఈ మాకు సంఘటన ఓనర్ ఈ జమీన్గా ఈ ఖనాజ్ కూడా అల్వాల్ మీ అతి త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ సర్వే నెంబర్ హే కోర్ట్ మే పెండింగ్ హే ఆల్రెడీ హైకోర్ట్ మే और इस बुनियाद पे ये लोग क्या चाह रहा बोले तो हमारे जो किराएदार को खाली करना खाली कराना चाह रहा उन्हें अर्जुन नाम करी अर, और रही बात इन्हें इसके लैंड के अंदर कोई शेयर इसका नहीं है यहाँ पर और इन्हें एक वॉचमैन का बेटा है और वॉचमैन का बेटा है योगेश गिरी साहब मेरे जीपी होल्डर है और सबको हमारे को जान का एक खौफ वहाँ पर लैंड पे आते ही ने तलवारा और जमियाँ ले लेके कर लेके इन्हें पेश करना शुरू कर दे रहा हूँ वहाँ पर हमारे हाँ वो आप बता रहे हैं ये लोग के गन भी है वो लोग के पास मैं तो नहीं देखा मगर हमारे टेनेंट्स बोल रहे हैं कि उसके पास गन भी है बोल के मगर यहाँ तक मैं देख चुका हूँ कि उसके कमर में हथियार बराबर रहता है और कभी भी हमको वहाँ पर आ रहा है तो धमका रहा है हमको लैंड के ऊपर आने नहीं दे रहा है हमको और फिर भी हम वहाँ पर हमारे कब्ज़े में हम कायम हैं इन शह हम कायम रहेंगे और वो अर्जुन नामकारी के ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और पुलिस वालों को आ, हर हमेशा हम कंप्लेंट करते गए उसके ऊपर जाने दो जाने दो जाने दो बच्चा है ना बोल के छोड़ते गए उसको तो आज उन्हें हमारे आदमियों के ऊपर अटैक करके फलांग करके किडनेप करके लेके चले गए उसको और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए हाँ हम लोग कंप्लेंट दिए ऑलरेडी हमारे टेनेंट्स के साथ में मिलके हम लोग कंप्लेंट दिए हमारे योगेश गिरी साहब हमारे जी होल्डर है उनके साथ में भी मिलके हम लोग कंप्लेंट कम्प्लेंट दिए हमको जैसा इतला मिली हम उल सिटी से यहाँ पर आए पुलिस स्टेशन को डायरेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह देख के आप लोग फिर क्या हिसाब किताब है उसका करके ज़रा अरेस्ट करने की कोशिश करो और अच्छे से अच्छे एफ उसके ऊपर एफ करने की कोशिश करो और आ... मेरा नाम योगेश गिर एडवोकेट है और मैं जो है ये लैंड का थ्री सिक्सटी सिक्स थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी एट सर्वे नंबर का मैं जो है 16 साल से केस लड़ रहा हूँ उसका और रिसेंटली 2021 में जजमेंट हमारे फेवर में आए सो है इनामदार के लीगल एड्स के फेवर में आए सो है जिसका मैं जी होल्डर हूँ और हम जो है ये दोनों को दो प्रमेसिस वहाँ पर 368 सर्वे नंबर में एक विटल को और दूसरा राजशेखर को दोनों को लॉन्ड्री बिजनेस के लिए दिए सो है और ये लोग वहाँ पर वो बिजनेस चला रहे हैं जिसके बगल में ही हमारे एक वॉचमैन तो पहले मिरियाला रविंदर के नाम से था उसका ही लड़का अभी मिरियाला अर्जुन बल्के उनके उन्हें गुजर जाने के बाद अब जो है वो दो सौ गज़ का लैंड कब्ज़ा जो किया था उसका फादर उसको हट के ये लैंड इनके लैंड को भी दो सौ दो सौ गज़ के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमेशा एक पंद्रह बीस लोगों को लेके इनको आके इनको सता रहा है इनको छुरी दिखा रहा है इनको पिस्टल दिखा रहा है अनलाइसेंस पिस्टल दिखा रहा है इनको धमका रहा है और ये बोल रहा है कि तुम्हारी फैमिली ख़त्म कर दूंगा ये कर दूंगा और तुम लोग यहाँ से निकल के भाग जाओ और मेरे को ये जगह छोड़ दो बन के कोई भी शख्स चाहे वो योगेश घिर हो ख्वाजा नाजिमुद्दीन हो कोई भी बीच में आएगा तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा तो इस मामले में इस तरह से वो लोग को जब डरा रहे हैं धमका रहे हैं तो ये लोग भी सोच रहे थे एक से चार बार मेरे को बोले भी तो मैं बोला भाई उन्हें कम उम्र का लड़का है अगर उन्हें बोल रहा है तो हम उसको समझा के बोलेंगे करेंगे पर आज की तो हद हो गई है आज जो है आज रव, रविंदर जो है अपने अर्जुन जो है वो एक लाल कलर की हुडाई आइटन में आके ये लोगों को छुरीों से लकड़ियों से मार के डरा के इन लोगों को गाड़ी में बिठा के किडनैप करके लेके गया है और मेडचल हाईवे को गया है उसके बाद फिर शामिर पेट को गया है वहाँ से उसके खुद के जिम को लेके जाके ये दोनों को इतने बुरे तरीके से जिम इक्विपमेंट्स के साथ रॉड्स के साथ मारा है जिसका कोई बयान नहीं है कोई अंदर अंदरूनी चोट उनको आई है जिसके लिए उनको आज बोइनपल्ली पी पे हम आए हैं कंप्लेंट रजिस्टर करें हैं तो बोनपल्ली पी एस की तरफ से इन लोगों को हॉस्पिटल को भेजाए हैं चेकअप होके आया है कल देखना है कि क्या उस एक बीट ऑफिसर प्रमोद रेड्डी साहब भी आए थे बेगम से वो भी देखे रात का पूरा इंसिडेंट सुने करे और कल जो है एफ करने के लिए बोले हैं हमारी ये गुजारिश है कि इनको इंसाफ मिले और ये इनके अंदर जो खौफ है कि भाई वो लोग कुछ आएंगे हमको मर्डर करेंगे या कुछ भी करेंगे हमारे फैमिली को कुछ डैमेज कर सकते हैं इसी वजह से हमने एक पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी उनको मांगा है और एक रक्षक गाड़ी जो है इनके प्रोमेसिस के पास रोज़ एक मोमेंट रजिस्टर रख लेके आके कम से कम एटलीस्ट एक महीने भर तक आके गए तो वो इंसाफ हम समझेंगे और जो कल्प्रिट्स है जो किडनेप किए हैं वो किडनेपिंग का केस बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें वो जा गए वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेशन में देखे कि